हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, योर होस्ट एंड द योर वेट। तो गाइस, आज की जो वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। तो गाइस, मैं आपसे आशा करूंगा आप इस वीडियो का एंड तक देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट कॉमन इलनेसेस इन डॉग्स, यानी वो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो डॉग के अंदर कॉमनली हो जाती है। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ईयर इन्फेक्शन से। तो गाइस, ईयर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन पनप जाते हैं अगर आप उसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर रहे हो। तो गाइस, प्रॉपर क्लीनिंग करना ज़रूरी है। अगर आप ईयर क्लीन करोगे तो एमबी फ्लश की हेल्प से आप ईयर को क्लीन कर सकते हो, जिससे क्या होगा, किसी भी तरह का कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा, या अदर कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स अगर ईयर्स के अंदर होगा तब वो इजीली रिमूव हो जाएगा। तो गाइस, ईयर इन्फेक्शन एक बहुत ही बड़ा इशू है। सेकंड आता है गाइस, जैसा कि स्क्रीन पे भी आपको फोटोग्राफ नज़र आ रही होगी, डेंटल डिजीजेज। अब गाइस, डॉग्स के माउथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें स्पेशली जो है जिंजिविटीज़ नाम से एक प्रॉब्लम है, जैसा कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। गाइस, जिंजिविटीज़ के ऊपर हमने एक पहले वीडियो बनाई हुई है, अगर आप उसको डीपली समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो हमने जो वीडियो बनाई है आप देख सकते हो। तो गाइस, जिंजिविटीज़ क्या होती है, इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स, यानी जो गम्स होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। तब गाइस, इसके भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, मैंने उस वीडियो में प्रिवेंशन भी बताया है, आप उसे ज़रूर वॉच करें, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तब गाइस, हम अगर आपके डॉग से डेंटल प्रॉब्लम है, यानी डॉग के अंदर अगर डेंटल प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, बेसिक सी बात है, आपको बैड ब्रीदिंग मिलेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी वो कुछ खाना नहीं खाएगा, अगर वो कुछ खाएगा तो उसके माउथ में पेन होगा, जो टीथ है यानी जो दांत है बहुत ही ज़्यादा लूज हो जाएंगे, यानी हल्के हो जाएंगे, उनमें मजबूती नहीं रहेगी। बिकॉज गाइज, आपको पता ही है इनेमल हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट होता है जो सबसे हार्डेस्ट होता है, बोन से भी हार्डेस्ट होता है। तो गाइज, अगर वही लूज हो जाएंगे, जो गम्स लूज हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आगे है गाइज, इची स्किन, या जिसे हम स्किन प्रॉब्लम या स्किन एलर्जीज भी बोल देते हैं। बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स होती है, कुछ फंगल इन्फेक्शन होते हैं, एटोपिक डर्मेटाइटिस होती है, और भी कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से रैशेस वगैरह बन जाते हैं, रिंगवॉर्म्स वगैरह हो जाती हैं। तो गाइस, वो एक इची स्किन के अंदर हम उसको इंक्लूड करेंगे, स्किन इन्फेक्शन के लिए उसको हम इंक्लूड करेंगे। गाइस, इस वीडियो की स्पेशलिटी ये है, आपको लास्ट में इमरजेंसी मेडिसिन बताई जाएगी। अगर आपके पास वो इमरजेंसी मेडिसिन है, तब आप घर रहते अपने डॉग को प्रिवेंट कर सकते हो इन कंडीशन से। गाइस, अगर आपका डॉग सेवर प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, तब गाइस ये हो सकता है कि वो ट्रीट ना हो। बिकॉज गाइस, अगर कंडीशन बहुत ही क्रॉनिक चली गई है, तो उसका एक आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। कुछ इंजेक्शन्स वगैरह लगते हैं, कुछ मेडिकल कोर्सेज होते हैं, कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, मेडिकेशंस की हेल्प से ही वो जो प्रॉब्लम है ठीक हो पाएगी। आगे अगर आता है गाइस, मोस्ट कॉमन है एक वोमिटिंग एंड डायरिया। अगर गाइस आपके डॉग को वोमिटिंग और डायरिया है, तब गाइस आप एमिकाइंड पेट सिरप का यूज़ कर सकते हो। जो एमिकाइंड पेट सिरप है, जैसा कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, वो आप वोमिटिंग में दे सकते हो, और जो ओफ्लोकाइंड पेट सिरप है, वो आप लूज मोशन के अंदर दे सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि 100% इसका अच्छा रिजल्ट रहेगा, बट गाइस कुछ ना कुछ हद तक प्रिवेंशन हो जाएगा। जब तक आप अपने वेट के पास नहीं पहुँच सकते, तब तक आप अपने डॉग को इमरजेंसी मेडिसिन के तौर पर ये दे सकते हो। आगे आता है गाइस, स्टिफनेस और पेन। कई बार क्या होता है गाइस, आपके डॉग की बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्टिफ हो जाती है किसी प्रॉब्लम होने की वजह से, भले ही उसे फीवर ही क्यों ना हो, अगर वो ठंड से भी जूझ रहा है, तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और गाइस, बॉडी के अंदर पेन भी शो होता है, जैसा कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, डॉग कितना ज़्यादा टायर्ड है, और गाइस इसकी जो मसल्स है बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुकी है। अब है गाइस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब गाइस, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हैं। कई बार गाइस, यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या होता है, कई बार हमसे बहुत ही लोग क्वेश्चंस करते हैं कि सर, यूरिन के साथ ब्लीडिंग हो रही है। तो गाइस, ये एक बहुत ही बड़ा एक इशू हो सकता है। कई बार क्या होता है, फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन हो रहा है, यानी अभी उसने टॉयलेट किया, सॉरी, जिसे हम यूरिनेशन भी बोल सकते हैं, यूरिनेशन किया, थोड़ी देर बाद फिर उसने यूरिनेशन कर दिया। तो गाइस, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके बारे में ज़रूर आप अवेयर रहिए। आगे गाइस, ओबेसिटी। ओबेसिटी में गाइस, आपका डॉग ओबेसिटी का शिकार इसलिए हो जाता है बिकॉज आप उसको बैलेंस डाइट नहीं दे रहे। अगर गाइस आप अपने डॉग को बहुत सारा फैट दे रहे हो, तो वो मोटा ही तो होगा। अगर कार्बोहाइड दे रहे हो, तो भी उसके अंदर कोई भी यानी फैट लॉस के सिम्टम्स नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका डॉग ओबेसिटी है, ओबेसिटी हो चुका है, और आप प्रोटीन दे रहे हो, तब कुछ हद तक आपका जो डॉग है कंट्रोल में आ जाएगा।
तो गाइज आप प्रोटीन जरूर दे डॉग की डाइट के अंदर ऐड करें। प्रोटीन का एक बहुत ही बड़ा सोर्स हमारे पास हमारा जो मीट है यानी जिसे हम चिकन बोलते हैं और हमारे पास एग्स भी हैं। तो गाइज ये कुछ कॉमन एक प्रॉब्लम थी जो 7 मैंने आपको प्रॉब्लम आपके सामने डिस्कस की है, वो एक बेसिक थी जो गाइज आपको भी पता होगा, बट गाइज आपको मैं एक थोड़ी याद करवा रहा हूँ कि हाँ ये कुछ प्रॉब्लम है आपको ध्यान में रखना है अगर आप डॉग लवर हो, डॉग ओनर हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी भी डॉग की किसी भी पेट की रक्षा करूँ, उसकी हेल्प करूँ। तो गाइज अब हम बात करते हैं कुछ इमरजेंसी मेडिसिन। अब गाइज इमरजेंसी मेडिसिन में मैंने पहले ही बताया था एमिकाइंड पेट सिरप आप यूज़ कर सकते हो वॉमिटिंग के अंदर, ओफ्लोकाइंड पेट सिरप आप यूज़ कर सकते हो लूज मोशंस के अंदर। अगर गाइज आपके डॉग को किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तब आप कोई भी एंटीबायोटिक्स दे सकते हो, सेफपेट आप दे सकते हो, सेफपेट टैबलेट्स आती हैं। और गाइज साथ में ही अगर स्किन इश्यू है तो गाइज आप कीटोक्लोर शैम्पू का यूज़ कीजिए, आप एंटी डेंड्रफ जो शैम्पूज आते हैं मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं आप उनका भी यूज़ कीजिए ताकि बिग इश्यू ना हो। अगर गाइज मेंजिस है तो इमीडिएटली नियर बाय वेट से कॉन्टैक्ट करके आप स्पॉट ऑन लीजिए या और कोई अदर ट्रीटमेंट लीजिए ताकि आपका डॉग उससे सेव हो सके। अब गाइज अगर बुखार है तो एंटीपायरेटिक्स दे सकते हैं जिसके अंदर मेलोक्सिकैम जो साल्ट होता है, एक होता है गाइज मेलोक्सिकैम पैरासिटामोल, लेकिन आपको इसके अंदर ये नहीं देना, आपको ओनली मेलोक्सिकैम यूज़ करना है ओनली पेट्स के अंदर यानी कैट के अंदर और डॉग्स के अंदर। और गाइज अगर आपके डॉग बहुत ही ज़्यादा ओबेसिक हो गया तो गाइज आप उसकी डाइट को कम कीजिए, मेन बात यह है। तो डाइट को कम करने का तो हमारे पास ऐसी कोई मेडिसिन है ही नहीं, वो हमें खुद को ही कंट्रोल करना पड़ेगा, उसकी हैबिट बनानी पड़ेगी हमारे डॉग की। तो गाइज आज की जो वीडियो है बहुत ही एक बेसिक एक टॉपिक के ऊपर थी, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे बिकॉज वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट है, बट गाइज घर में कुछ वर्क चला हुआ था जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाई। तो गाइज मैं आशा करता हूँ आपको हमारे आज के जो एफर्ट्स हैं जो हमने लगाए हैं आपको अच्छे लगे होंगे, आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो much.